26 जनवरी के रहते हिंगन घाट की महिलाओं ने प्रसिद्ध संती सोना माता मंदिर परिसर डोम घाट में संक्रांति के रहते हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन किया। वान में दिए वृक्ष भेंट, महिलाओं में वृक्ष संवर्धन का दिया संदेश। महिलाओं ने दिया संक्रांति के रहते वृक्ष संवर्धन का संदेश। कोरोना काल रहते प्रकृति में कुछ बदलाव सा माहौल देखा गया, तब सभी ने प्रकृति के प्रदूषण का ठहराव होते हुए देखा है। तब हिंगन घाट शहर के महिलाओं ने संक्रांति के रहते आपस में भेंट वस्तु देने वाली परंपरा चलते आई, तब इस साल वान में भेंट वस्तु नहीं देते हुए वृक्ष भेंट दिए और परंपरागत चलने वाली परंपरा के रहते वृक्ष संवर्धन करने का संदेश दिया है। महिलाओं ने इस कार्यक्रम का आयोजन गणतंत्र दिवस के मौके पर हिंगन घाट तालुका के प्रसिद्ध संत सोनी माता मंदिर स्थित डोम घाट में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के बीच वृक्ष संवर्धन को बढ़ावा देना था। BCN न्यूज के लिए हिंगन घाट से रवि यनोरकर की रिपोर्ट। दिनांक 26 जानेवारी आम्ही हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम दरवर्षी प्रमाणे आयोजित करत असते, तर यावर्षी आम्ही वृक्षारोपण देऊन आम्ही हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम साजरा केला आहे। कुंकवाचा कार्यक्रम एकमेकींना वृक्ष देऊन साजरा केला आहे आणि त्यातून पर्यावरणाचं रक्षण करण्याचा संदेश। मित्र परिवार, दरवर्षी प्रमाणे संक्रांतीचा सण हा जानेवारी महिन्यामध्ये येतो आणि ते हळदी कुंकवाचं औचित्य साधून एकमेकांना तिळगुळ देऊन आपण गोड बोलण्याचा एक आव्हान महिलांना करत असतो। तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला या पार्श्वभूमीवरती यावर्षी डोमाघाट येथे हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे आणि त्यामध्ये हळदी कुंकू सोबतच एक वृक्षाची देण दिली।